अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी नाश्ते की रूटीन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं नाश्ता बना रही हूं। आज नाश्ता हमारा थोड़ा लेट है, वैसे तो हम इस टाइम नाश्ता कर चुके होते हैं। आज बारिश की वजह से बच्चे सोए हुए थे और स्कूल से भी आपको पता है आप छुट्टियाँ हो गई हैं बच्चों को, तो इसलिए मैंने सोचा कि सोए रहे, वैसे ही बारिश है और कोई काम नहीं हो सकता, तो नाश्ता इस वजह से लेट है। तो अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो मैं नाश्ता कैसे बनाती हूँ ये आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चाय मेरी बन गई है, अब मैं बना रही हूँ पराठा। पराठा बन गया है, अब मैं तवे पे ही अंडा फ्राई कर लूंगी। आज रात का सालन नहीं था तो अंडे फ्राई होंगे आज सुबह सुबह, क्योंकि मौसम देखिए बहुत गर्मी हो तो फिर हमारे घर में अंडे नहीं खाते, फिर सालन के साथ नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन आज रात का सालन भी खत्म हो गया था इसलिए मैं अब अंडे फ्राई कर रही हूँ। हमारा तो यही बस सिंपल सा नाश्ता होता है, पराठा चाय और अंडा, या सालन हो गया अंडा ना हो। अंडा फ्राई हो गया, अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी काली मिर्च। हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है, अब हम नाश्ता करेंगे। दिखाते हैं आपको बाहर का मौसम भी एक दफा। सारी रात बारिश होती रही है, अभी भी हल्की हल्की बारिश है। टाइम काफ़ी हो गया है लेकिन वैसे बादलों की वजह सूरज अभी नज़र नहीं आ रहा। बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि छुट्टी है इनको स्कूल से, तो ये लेट ही उठेंगे, लेकिन जब जागेंगे दिन का नाश्ता मैं तब बनाऊंगी। अभी मैं खुद नाश्ता कर लूँ। आज की रूटीन में ये दाने साफ़ करने वाला काम भी है, क्योंकि इसके लिए ज़रा ज़्यादा टाइम निकालना पड़ता है, दाने साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आज सोचा थोड़ा टाइम है और आटा भी जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, तो ये गंदम के दाने साफ करके तो ये चक्की पे पिसवाने के लिए भिजवाने थे मैंने, तो इसलिए आज जो है यही मैं साफ़ कर रही हूँ।
आज की रूटीन में ये दाने साफ करने वाला काम भी अहम था, क्योंकि जब सुबह मैंने नाश्ता बनाया तो मैंने देखा कि आटा जो है वो थोड़ा सा रह गया है, 2-3 दिन का रह गया है। इसलिए आज मैंने कहा कि ये दाने भी साफ करके चक्की पे भिजवाऊँ ताकि आटा जो है वो टाइम से पिस कर आ जाए, क्योंकि हम लोग घर का आटा इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए ये ज़रूरी होता है। वैसे तो चक्की से आटा मिल जाता है लेकिन हम लोग घर का ही आटा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए दाने साफ करके भिजवा देते हैं। अभी मैंने घर का बाकी काम जो है काफ़ी जो है ख़त्म कर लिया है, लेकिन थोड़ा बहुत अभी रहता है और दिन का खाना भी अभी बनाना है, इसलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।